झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कांके के भाजपा विधायक समरी लाल ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के सभी विधायक मुख्य गेट पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा विधायकों के हाथों में तख्तियां हैं। आज भाजपा विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। रिम्स की बदहाली को लेकर बीजेपी विधायक सरकार पर हमलावर हैं। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदहाली को लेकर विधायक समरी लाल ने अनोखा ही प्रदर्शन किया। विधायक समरी लाल विधानसभा के प्रवेश द्वार के फर्श पर लेट गए और प्रतीकात्मक रूप से स्लाइन चढ़वाते हुए रिम्स की बदहाली की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाया। इरफान 3 साल में एक बार भी गए हैं क्या रिम्स? पूछिए उनसे। हाँ, क्योंकि इरफान साहब को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य मंत्री को ले जाकर देखे, और आप सभी बंधु से आप ही लोग जाकर रिम्स में आप लोग भी भुक्तभोगी हैं। ये क्या नाटक क्या है? ये मेरा एक सिंबॉलिक है, मैं सरकार को यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि रिम्स में ऐसा ही हाल है। रिम्स का हाल जो है ऐसा ही है, इसलिए रिम्स के में सुधार के लिए विधानसभा की समिति बनाइए, क्योंकि न वहाँ जेल को है, न रुई है, न पट्टी है, न दवा है। आपका बीपी चेक किया जाएगा, देखिए बीपी है कि नहीं। अरे भाई, रिम्स के चलते जो रोते हैं लोग, बिलखते हैं लोग, उनको देख कर बीपी हाई तो होगा ही। कंबल के बिना लोग ठंडा में मर रहे हैं। वहाँ नीरो में जाके देखिए, पैथोलॉजी में जाके देखिए, मेडिसिन में जाके देखिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सांकेतिक रूप से बीमार विधायक समरी लाल से मुलाकात की और रिम्स की व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया। सब व्यवस्था ठीक है, सुधार होगा, क्योंकि समरी भाई रिम्स में ही पैदा हुए हैं, जन्म इनका वहीं हुआ है, तो थोड़ा इनको जो है रिम्स से जरा मोहब्बत गहरा है, तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनको हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। नहीं, ये बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दिखाना चाहते हैं कि मरीज कैसे फर्श पर है, कैसे इलाज हो रहा है, यही सब दिखाने की कोशिश। ठंड का मौसम है भैया, मैं बोल रहा हूँ कि सुधार की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है, और सुधार करने के लिए लगे हुए हैं। जब हम देखेंगे कि हमारा भाई सोया है, हम उसके पास भी पहुँच गए, तो गरीब आदमी को तो हम जाके खून दे रहे हैं अपने शरीर से। अब चिंता मत कीजिए, सब सुधार हो जाएगा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आज राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की ये दुर्गति है, तो इसके लिए केवल और केवल भाजपा ही जिम्मेदार है। बदहाली के असली जिम्मेवार यही लोग हैं। 18 साल आपने राज किया, एक रिम्स नहीं बना सके। अब एक रिम्स हॉस्पिटल ही है मात्र हमारा, जो इतना लोड सह रहा है। तो ऑब्वियस है कि इस तरह का कम से कम भाजपा जो प्रदर्शन कर रही है, अच्छा, ये अच्छा संकेत नहीं जाएगा। अगर आपको बदहाली सुधारना है तो आइए हमसे वार्ता कीजिए, हमारी सरकार से वार्ता कीजिए। हम लोग हैं, ये बात सही है कि थोड़ा लचर है व्यवस्था, लेकिन उसको लोग ठीक करेंगे, ऐसा नहीं, ये नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक विरोध पर मैं डॉक्टर हूँ, और आपने क्या चेक किया? नकली बीमारी भी चढ़ रहा है, ये नकली है, नकली स्लाइन वगैरह सामने देखिए, सामने देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँगा कि आप विधायक हैं, और विधायक की गरिमा को जानिए, इस तरह का तमाशा नहीं बनाइए। चलिए, आपको बता दें कि बीजेपी के कई विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया था।